So let us start with the rules for image formation. Jasleen, you note down the names of offline students present and send to Amritpal. Ab tum kaise loge attendance? Who will take attendance of online students now? Yes, Chahak, can you take attendance? He is present. Yes, Shivansh Agarwal, I think you can take attendance of online students from now onwards and send the screenshot to me. And Amritpal will send you the list of offline students, right? Rules for image formation. Rules for image formation by mirrors. Rules for image formation by mirrors. And one question I want to ask you, how many of you missed the test this week? वेंसडे का टेस्ट किसने नहीं दिया बताइए, जिसने नहीं दिया वो बताओ. यू अपियर्ड फॉर द टेस्ट, यू डू, यू ओके. फ्रॉम हियर, हु डिडंट अपियर फॉर फिजिक्स टेस्ट ऑन वेंसडे? यस, कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया? रेज हैंड. हरिया, ऑल हैव गिवन? नो. Okay, I'll tell you the record. Yes, tomorrow I'll be telling you. So let us do the rules for image formation for both the mirrors. Side by side we are going to draw. This side I'll be telling the rules for concave mirror, and this side I'll be telling the rules for convex mirror. First rule is, and we used also, draw the concave mirror first. Which mirror is this? Concave mirror. So first of all, mirror, the type of mirror should be clear to you, right? Then mark the points, pole, focus, center of curvature. Now you are aware of these terms. ठीक है, equal distance पे होगा तब आपका case ठीक बनेगा. अभी तो चलो आप ऐसे ही बना लो. When we will draw the cases of image formation, then you have to take care of these things. That your three points must be at the same distance. P, F, and C. Pole, focal, center of curvature. First rule is, a ray which is parallel to the principal axis will pass through focus after reflection from the mirror. ये हमने use भी किया था focus को draw करने के लिए. So first rule is, any ray parallel to the principal axis. Any ray parallel to the principal axis will pass through focus after reflection. Yeah, after striking. Any ray parallel to principal axis will pass through focus after reflection. Let us draw the same rule for convex mirror. This is convex mirror. नहीं, रूल सेम है ना, सिर्फ ड्रॉ करने का वे डिफरेंट. रूल सेम है इसके लिए भी उसके लिए. सो साइड बाय साइड वी कैन हैव अ कंपैरिजन. सो एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू कम आउट ऑफ फोकस. यहां पे फोकस में से बाहर आता हुआ लगेगा. ये मैंने आपको बताया था, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर्स ऑफ द मिरर. कनकेव मिरर इज हैविंग कन्वर्जिंग नेचर, तो रे फोकस में से पास करेगी. एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, इट इज हैविंग डाइवर्जिंग नेचर, तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू कम आउट ऑफ इट. रूल वही है कि पैरेलल है तो फोकस में से या तो पास करेगी या उसमें से बाहर आती हुई लगेगी. रूल विल रिमेन द सेम. यस, एंड टेंथ क्लास आपका जो सेप्टेम्बर में मिड में पेपर्स भी हैं विद द होल स्कूल, और नवम्बर में टर्म वन भी. तो ये मत सोचना कि सीधे आपके नवम्बर में पेपर होंगे, अभी भी सेप्टेम्बर में. देखते हैं. सेकेंड रूल इज जस्ट द रिवर्स.
सेकेंड रूल इसी का रिवर्स है. If any ray is incident on the mirror after passing through focus, then it will go parallel to the principal axis. पहला रूल था अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है फोकस में से जाएगी. सेकेंड इज अगर फोकस में से आ रही है तो पैरेलल जाएगी. अगर ये फोकस में से आके इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, इट इज पासिंग टू फोकस, देन इट विल गो पैरेलल. दिस रूल सेकेंड रूल इज रिवर्स ऑफ द फर्स्ट, रिवर्स ऑफ फर्स्ट रूल. सो द रूल इज एनी रे इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू फोकस या आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस, एनी रे इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू फोकस और आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. लेट अस ड्रॉ द रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर नाउ. ये ऐसे आ रही है, ऐसे लग रहा है फोकस में से आ रही है, डाइवर्जिंग नेचर है. मिरर यहाँ पे खत्म हो जाता है. हैव अ लुक एट दिस, यहाँ पे मिरर खत्म हो जाता है तो ये रे इससे आगे नहीं आ सकती. आगे जो पोर्शन है वो आपको डॉटेड शो करना पड़ेगा. इट इज अपियरिंग एज इफ इट इज कमिंग थ्रू फोकस, फोकस में से आ रही है पर टकरा तो मिरर से रही है ना. सो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स, it will go parallel to the principal axis. So same rule we have drawn for convex mirror as well. Clear? Draw two rules first of all. Convex ka, हाँ, will appear to come out of focus. Focus से बाहर जा रही है. इसका second rule इसका ये बताओगे convex का, a ray that appears to pass through focus. A ray that appears to pass through focus while striking the mirror, while striking the mirror will go parallel to the principal axis. A ray that appears to pass through focus while striking the mirror will go parallel to the principal axis. थर्ड ड्रॉ करें. लास्ट रूल इफ एनी रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई रे सी में से होते हुए स्ट्राइक करती है तो इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, इट विल गो बैक अलोंग द सेम पाथ. If any ray strikes the mirror after passing through C, it goes back along the same path, it gets retraced, it retraces its path. If any ray passes through C before striking the mirror, then it retraces its path. Then it will go back, yeah, it will retrace its path. Same rule we can draw for convex mirror like this. अब रे ऐसे आ रही है, सी में से आती लग रही है. अब ये वापस चली जाएगी,
बस एक एरो आपने जाने के लिए बना देना, टिल दे आर एंट्रिंग। सो इफ द रे अपीयर्स टू पास थ्रू सी व्हाइल स्ट्राइकिंग द मिरर, यहां पे ठीक है, इट विल गो बैक अलोंग द सेम पाथ, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। So these are three rules for image formation by the mirror. Convex का यही है, for A appears to pass through C while striking the mirror. While striking the mirror, it will retrace its path. It will retrace its path. तो ये तीनों रूल्स यूज करके अब हम इनके केसेस डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के। यस, डन ऑल द थ्री केसेस। सो इमेज फॉर्मेशन, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर, because concave mirror can form both real and virtual images of the object. Concave mirror can form both real and virtual images. So there are six cases of image formation. Convex ke sirf two hi honge kyunki wo sirf virtual image bana sakta hai. So hum aise karte hain, six cases hai, aap ye draw kar lo pehle. पहले थ्री बना लो, मार्क। अब यहां पे आपको ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस लोगे तो ठीक बनेंगे, ठीक है। अब आपको स्केल से इक्वल मेजरमेंट पे लेने हैं, देन योर केसेस विल बी ओके। एंड इफ पॉसिबल घर जाके आराम से इसको कंपस से बनाना, फिर आपके केस बिल्कुल ठीक बनेंगे, ठीक है। बनाइए, ये फर्स्ट केस है, बहुत दूर से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यू आर वाचिंग द इमेज ऑफ अ ट्री, डिस्टेंट ट्री इन अ मिरर। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वहां से स्टार्ट करते हैं, बहुत दूर है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंट, यू विल इमेजिन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वहां से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हमेशा पैरेलल रेज आएंगे। तो वी विल टेक टू पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, द रे विच इज पैरेलल, वही फोकस वाला डायग्राम है, विल पास थ्रू फोकस। अनदर रे वी टेक, इट विल आल्सो पास थ्रू फोकस बिकॉज इट इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां पे रेज, आपको एटलीस्ट टू रेज ड्रॉ करनी है for getting the image, for image formation at least two rays are required. So ये two rays sufficient है, आप इनको draw कर लो, ये मिल रही है यहाँ पे, meet कर रही है। You can also draw like this. मैं वैसे एक बना रही हूँ, आप ऐसे भी draw कर सकते थे। Parallel rays ऐसे आ रही, parallel beam ऐसे आप ले सकते हो, infinity से आ रहा है, ये भी आप infinity से show कर सकते हो, ठीक है। और ये यहां पे मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज फोकस, आप ऐसे भी बना सकते हो।
बट दैट इज बेटर, दैट इज इजियर, वट एवर यू फील लाइक आप बना सकते हो। यस, हु रेज हैंड? यस शिवांश, यस मैम वीडियो बहुत ब्लर रहा है मैम, कुछ दिख नहीं रहा। मुझे तो बिल्कुल ठीक दिख रही है मैम, हमारे को तो दिख ही नहीं रही मैम, दूसरे बच्चे से भी पूछो। आस्था, इज इट क्लियर? बोर्ड इज क्लियर टू यू? आस्था, इज द बोर्ड क्लियर? अरे कोई बता दो ना। ये आस्था इज सेइंग कि क्लियर है, देन देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम एट योर एंड। क्या ठीक है तो फिर आ जाए। अब तो ऑप्शन है, मुझे वैसे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सो फर्स्ट केस तो वही है जो फोकस में बनाया था, वही वाला डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है? ब्लर है पर दिख रहा होगा आपको। सेकेंड केस मैंने आपको कहा ऐसे आप बनाइए, रेज को रिफ्लेक्ट करिए एंड अलाउ देम टू मीट एट फोकस, ये भी आप कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, नाउ वी आर टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ईच केस। कैसी इमेज बनी है वो हम हर केस में साथ में लिखेंगे। सिंस द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, इमेज इज रियल, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, देखो देख रहे हो ना, जहां पे कट करेंगे वहां पे एरो बनाएंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि रे इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड बनी है, इट इज इन्वर्टेड। हाँ जी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, ये दूसरा डॉटेड शो कर दिया, मतलब डिस्टेंट है, डिस्टेंट मतलब रेज इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है? रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल साइज की है, ठीक है? स्मॉल साइज की है, यहाँ तो बिल्कुल ही पॉइंट साइज है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही पॉइंट साइज है, यहाँ पे स्मॉल साइज की है, और कहाँ पे बनी है? एट फोकस। सो फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन वी हैव रिटन हियर। Image is formed at F. It is real. It is inverted. It is of small size, diminished size. F भी बनी है यहाँ पे, ठीक है? First case is clear. ये already बनाया भी हुआ है, कोई problem नहीं है। Second case पे आइए। अब हम थोड़ा pass लेके आते हैं, step wise. अब है object beyond C. Now the object is beyond C.